हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका विद सुमैया। मैं हूँ सुमैया। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेरी टेस्टी एंड वेरी इजी विलेज स्टाइल चिकन बिरयानी। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान भी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 kg ऑफ चिकन। ये स्किनलेस चिकन है एंड नेक्स्ट अब इसको हम क्लीन कर लेंगे, धो लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से चिकन को क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 cup कर्ड यानी के दही, खट्टा दही। एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 spoon ऑफ सॉल्ट। एंड ये 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के जो पीसेस है उस पर दही और नमक अच्छे से लग जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1/2 hour के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मेरी सासू माँ अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसको। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे देखिए, हमने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। इसके लिए हम लेंगे, हमें पहले गैस को ऑन कर लेना है और उसके बाद लेना है एक बड़ा बाउल। और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 glass ऑफ ऑयल। एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं 7 to 8 लौंग और थोड़ी दालचीनी एंड 6 to 7 इलायची। इसे हमें 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। इसमें हमने लिया है 4 big onion, इसको हमने अच्छे से स्लाइस कर लिया है। हमने यहाँ पे लिया है 2 kg ऑफ चिकन एंड 2 kg ऑफ बासमती राइस, इसीलिए हमने ऐड किए है 4 big onion। ऑनियन से ऐड करने के बाद हमें इसे 1-2 मिनट के लिए हल्के से फ्राई कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं ग्रीन चिली। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 8 to 9 ग्रीन चिलीज लिए हैं। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। यहाँ पे हमने 100 ग्राम्स ऑफ गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ऐड किया है फॉर 2 kg चिकन। गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे धीमी आंच पे। एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 cup ऑफ मिंट। इसको हमने मिंट लीफ कट कर लिया है, इसको अच्छे से धो के हमने इसमें ऐड कर लिया है। हमें इसको अच्छे से मिक्स करते ही रहना है, अदरवाइज ये नीचे से दाग ना लग जाए। एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे काजू। और यहाँ पे हमने 1 cup ऑफ काजू ऐड किया है। और इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद हम नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, 1 cup ऑफ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद हमें इसे 2 मिनट्स कुक कर लेना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद हम नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे टोमेटोस। हमने यहाँ पे लिया है 1/2 kg टोमेटोस। टोमेटोस को क्लीन करने के बाद इसी साइज में हमें इसे कट कर लेना है। टोमेटोस ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट्स के लिए इसको हमें ढक के छोड़ देना है ताकि टोमेटो सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ पे देखिए, 10 मिनट्स के बाद हमारे टोमेटोस थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं नमक। यहाँ पे हमने लिया है रॉ सॉल्ट। इन्होंने लिया है 1 मुट्ठी सॉल्ट 2 kg ऑफ चिकन एंड 2 kg ऑफ राइस के लिए, ये इनका अंदाजा है। अगर आप सॉल्ट ऐड करना चाहते हो तो आप 1 to 2 spoon सॉल्ट ऐड कर सकते हो, कम ज्यादा हो तो बाद में कोरमे को टेस्ट करके बाद में भी हम नमक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमने जो 1/2 hour के पहले जो चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखा है उसको हम अब इसमें ऐड कर लेंगे। चिकन को ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के छोड़ देंगे 1/2 hour के लिए ताकि ये जो चिकन है अच्छे से गल ना जाए। तब तक ये चिकन गल ना जाए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये खट्टा। और ये चिकन बिरयानी के साथ बहुत ही टेस्टी रहता है। अगर आप चाहते हो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, तब मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। यह बहुत ही टेस्टी है अगर आप बिरयानी के साथ खाओगे तो। इस खट्टे को आप चिकन बिरयानी में भी खा सकते हो, मटन बिरयानी में भी खा सकते हो, इससे बिरयानी का स्वाद और भी बढ़ेगा।
एंड नेक्स्ट खट्टे के साथ मैंने बनाया है दही की चटनी, यह भी बहुत टेस्टी है। अगर आप चाहो तो इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड नेक्स्ट, चलिए, आधा घंटा हो चुका है और हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल गया है। ये दिखता कुछ ऐसे है, आधे घंटे के बाद अच्छे से चिकन गल गया है। अगर आप चाहो तो मैं एक पीस निकल के आपको दिखा दूंगी गलने के बाद ये दिखता कैसे है। ये देखिए, हमारा चिकन अच्छे से गल गया है, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 फुल ग्लास ऑफ मिल्क, रॉ मिल्क। मिल्क को मैंने गर्म नहीं किया है, ऐसे ही पैकेट से इसमें डाल दिया है। मिल्क ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। यहाँ पे मेरी सासू माँ जो है वाटर को थोड़ा गर्म करके ऐड कर रहे हैं। आप चाहो तो वाटर को ऐसे इसी तरह से थोड़ा गर्म करके ऐड भी कर सकते हो, या फिर आप ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हो। वाटर ऐड इतना करना है कि यहाँ देखिए, हमने लिया है 2 kg ऑफ चिकन एंड 2 kg ऑफ राइस। हमें वाटर एग्जैक्टली इसका हाफ ऐड करना है, यानी कि 2 लीटर्स ऑफ वाटर हम इसमें ऐड कर लेंगे। एंड अभी देखिए, इस पॉइंट पे एक और बार आप नमक चेक कर सकते हो। अगर आपको नमक और थोड़ा चाहिए तो इसमें ऐड भी कर सकते हो। और इसको हमें थोड़ा बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे ढक के तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए। 5 to 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो कि इसी तरह से ये बॉईल होगा वाटर। इस पॉइंट पे हम चावल को ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ पे लिया है 2 kg ऑफ बासमती राइस। आधे घंटे के पहले ही इसको हमने राइस को हमने धो के भिगो के रखा है पानी में। यहाँ पे एक और बार भी आप चेक कर सकते हो, चिकन अच्छे से गल गया है। अब हम ऐड करेंगे बासमती राइस, थोड़ा राइस डाल के मिक्स कर लेना ऊपर नीचे। एंड नेक्स्ट हम पूरा राइस डाल देंगे। पूरा राइस ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं। अगर हम ज़्यादा मिक्स कर लेंगे तो चावल को ऑलरेडी हमने भिगो के रखा है ना, तो चावल टूटने के चांसेस है, इसीलिए हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन ढाप के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक कि ये चावल पक ना जाए। जैसे ही चावल हाफ बॉइल्ड होंगे हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। हमने यहाँ पे लिया है 2 लेमन्स बड़े वाले, और उसका जूस हमने एक्सट्रैक्ट करके इसमें ऐड कर लिया है। एंड अगेन इसको हमको ढक के छोड़ देना है, क्योंकि इसमें अभी भी थोड़ा पानी है, ताकि वो अब्सॉर्ब ना हो जाए। यहाँ पे देखिए, हमारे चावल थोड़े से पक गए हैं, ऑलमोस्ट हमारा बिरयानी जो है 3/4 पक गया है। एंड नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी अपने मर्जी का है, आप जितना चाहो तो उतना ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने 1/2 कप घी ऐड किया है। एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, और हमने यहाँ पे लिया है ऑर्गेनिक फूड कलर, हमने ऑरेंज कलर का ऑर्गेनिक फूड कलर लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 स्पून ऑफ ऑर्गेनिक फूड कलर ऑरेंज वाला। एंड नेक्स्ट इसमें मैंने ऐड किया है 5 to 6 टेबल स्पून ऑफ मिल्क, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ऊपर से ऐसे डाल दिया है। एंड इस फूड कलर को ऐड करने के बाद हम ढक के 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, 10 मिनट्स के बाद हमारी बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही सिंपल है एंड बहुत टेस्टी भी है ऑफ कोर्स। एंड 5 मिनट्स के बाद इसको आप सर्विंग प्लेट में सर्व करके टेस्ट कर सकते हो, ये बहुत यम्मी है।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर लेना। अगर आपने मेरे चैनल जायका विद सुमिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना एंड सब्सक्रिप्शन के बाजू में जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। Hey, treat them as such, don't you?